इससे आपको प्राइस डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है ना। प्राइस डिफरेंस बताया, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि क्या हार्ड डिस्क है, बट ये आपको लास्ट में मेरे इस वीडियो में दिखाई देगा। इसके बाद ये सेल हो चुका है, तो अभी मैं इसको पैक करने वाला हूँ। तो गाइस, सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है गाइस, क्योंकि आज हम जानेंगे PS4 के बारे में। हाँ गाइस, PS4 फैट क्या होता है, PS4 स्लिम क्या होता है, PS4 प्रो क्या होता है। गाइस, PS4 के बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता कि यार विशाल भाई मुझे ये बताओ, PS4 फैट जो है इतना सस्ता मिलता है और स्लिम जो है वो थोड़ा महंगा मिलता है, प्रो इतना ज्यादा महंगा होता है, तो आखिर क्यों ये चीजें क्यों है, और हमें प्राइस में बताओ डिफरेंस क्यों है, गेम्स में बताओ डिफरेंस क्या है, और चीजें बताओ कि क्या क्या चीजें हैं, और मॉडल्स में भी फर्क है, मतलब इसका जो बॉडी है उसके में भी फर्क है, तो क्या क्या चीजें हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे गाइस। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना, आज मैं आपको सब इनकी और इनकी अनबॉक्सिंग भी दिखाने वाला हूँ और बताने वाला भी हूँ, और गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या प्राइस डिफरेंस है वो भी बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और गाइस सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको बार बार देखने को मिलते रहे गाइस। चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास PS4 फैट मॉडल है, इसमें गाइस आपको क्या क्या चीजें होती है क्या क्या नहीं वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। पहले इसके मैं आपको कंडीशंस दिखा देता हूँ गाइस। ये जो फोर है गाइस, ये PS4 फैट जो कि आपको 1 TB हार्ड डिस्क के साथ दिखाई देता गाइस वो है, ठीक है। ये आपको जरूर देखना है, इससे आपको प्राइस डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि विशाल भाई मुझे ना एक PS4 मिल रहा है 15,000 रुपये में, 1 TB जेल ब्रेक वाला, तो गाइस वो चीज़ 15,000 में भी मिलता है, 20,000 में भी मिलता है, 22,000 का भी मिलता है, 25,000 का भी मिलता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, सारे डिफरेंसेस होते हैं, वो आधा ज़्यादातर डिफरेंस तो इसी से हो जाता है कि भाई सील लगी है या नहीं। अगर नहीं लगी है इसका मतलब साफ साफ होता है कि भाई ये जो है रिपेयर किया हुआ है, मतलब कि अंदर इसकी बॉडी खोली गई है, कुछ ना कुछ रिपेयर किया गया है उसके बाद दिया गया। वो वाला जो सेट होता है ना वो ज़्यादा चलता नहीं है, वो बहुत जल्दी ख़राब होने की चांसेस होते हैं, बहुत जल्दी मतलब 1-2 महीने के बाद वो ख़राब हो जाएगा, फिर आप उसको रिपेयर कराओगे फिर वो खराब होगा, फिर आप रिपेयर कराओगे फिर खराब होगा, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप सस्ते के पीछे मत जाना, चीज़ अच्छा लेना, बढ़िया लेना, ताकि गेम्स आप लाइफ टाइम खेल सको, या बहुत दिन मतलब कुछ साल खेल सको, जैसे 2-4 साल आपने खेला उसके बाद बेच दिया, उसके PS4 प्रो वगैरह ले लिया या फिर PS5 ले लिया, तो ऐसा कुछ करना होता है गाइस। ये है हमारा PS4 फैट मॉडल। इसके बाद क्या जाता है स्लिम मॉडल, ठीक है। इसके बाद हम आपको स्लिम मॉडल दिखाते हैं, आपको PS4 स्लिम मॉडल दिखाता हूँ गाइस। स्लिम मॉडल में क्या चीजें हैं और क्या अंतर है, तो गाइस जैसे कि देख सकते हो ये हमारे पास PS4 स्लिम मॉडल है, ये भी काफी बढ़िया कंडीशन, और इसमें और इसमें अंतर क्या है बॉडी में, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा अच्छे से। पहले ये देखिए गाइस, ये है हमारे पास PS4 स्लिम मॉडल, ठीक है। ये आपको आगे से कुछ ऐसा दिखाई देता है, सामने से ऐसा, और पीछे से गाइस ऐसा कुछ दिखाई देता है। इसमें एक सील होता है यहाँ पे, ठीक है। सील अलग अलग होते हैं, जापान का अलग होता है, अमेरिका का अलग होता है, इंडिया का अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग होता है, लैंग्वेज उसमें अलग अलग लिखे होते हैं, तो सब कुछ का अलग अलग होता है। तो गाइस ये है स्लिम मॉडल, ये भी काफ़ी अच्छा कंसोल है, और इसका जो प्राइस है वो भी आपको 20,000 के आसपास दिखाई देता है। इसका आपको 15,000, 17,000, 18,000, 20,000 के आसपास मिलता है। ये 20,000 से स्टार्ट होता है, 20, 25, 26, 28 ऐसे मिलता है गाइस, ठीक है। तो ये मैंने प्राइस डिफरेंस बताया, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि क्या हार्ड डिस्क है क्या है क्या नहीं है। देखो गाइस, पहली बात तो ये कि सील पैक है या नहीं, अगर सील पैक है तो सिंपल सी बात है प्राइस आप होना ही होना है। अगर सील निकला हुआ है इसका मतलब कि रिपेयर है, ख़राब है, कुछ ना कुछ ठीक करके फिर बेचा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हार्ड डिस्क है या नहीं है, अगर हार्ड डिस्क है तो 500 GB हार्ड डिस्क है या 1 TB हार्ड डिस्क है, इसमें भी प्राइस डिफरेंस होता है। इसके बाद आपको बता दूं कि कंडीशन कैसी है, कम चलाया हुआ है या बहुत ज़्यादा पुराना है या न्यू कंडीशन में है, इसके ऊपर भी प्राइस डिफरेंस होता है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसको जेल ब्रेक में ले रहे हैं, जैसे कि तो अपडेटेड होता है, जो आपको DVD लगा के गेम खेलना होता है, वो आपको 25,000 से नीचे नीचे मिल जाएगा, 25,000, 24,000 ऐसे आपको आसपास मिल जाएगा, जिसमें आपको DVD डालना है और गेम खेलना है, ठीक है। वो सस्ता मिल जाता है, इसमें भी मिल जाएगा सस्ता, इसमें भी मिल जाएगा सस्ता। लेकिन आपको अगर जेल ब्रेक वाला चाहिए, जैसे जेल ब्रेक करवाना है या जेल ब्रेक वाला सिस्टम चाहिए जिसमें आपको गेम्स लोडेड मिल जाए, जिसमें आपको गेम्स लोड करके मिल जाए, डाउनलोडेड मिल जाए, आप बस प्ले करो और गेम खेलना स्टार्ट, तो वो महंगा आता है, वो आता है 27,000, 28,000, 29,000 ऐसे प्राइस में आता है। और जो 27, 28, 29 बता रहा हूँ
ये जो प्राइस डिफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि कंडीशन किस हिसाब से है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस लगा दूँ, बहुत सारे निशान लगा दूँ, बहुत सारे गंदे कर दूँ उसको, तो वो बहुत सस्ता जाता है, बहुत सस्ता जाता है। किसी का टूटा फूटा हो यहाँ से अगर वो चल रहा है, जेल ब्रेक में है, तो वो सस्ता जाता है। लेकिन अगर वो साफ सील पैक्ड हो, ये सील लगा है यहाँ पे, ये सील लगा हुआ है, ये चीज़ें बढ़िया हैं, कोई स्क्रैच नहीं है ज़्यादा, तो गाइस ये जो चीज़ है वो महंगा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर मैं आपको इसका और इसका डिफरेंस दिखाऊं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डिफरेंस है, ये फैट मॉडल, ये स्लिम मॉडल। ठीक है, इसके बाद आपको मैं प्रो मॉडल दिखाऊंगा, इसके बाद हम प्रो देखते हैं गाइस। ठीक है, प्रो काफ़ी बढ़िया होता है, जेन्युइन होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। मैं आपको दिखाता हूँ प्रो मॉडल। ठीक है, प्रो देखोगे तो आपको सच में लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो है प्रो, और इसका प्राइस भी भाई इसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो ये है गाइस PS4 Pro। जैसा कि मैं बताऊं ये सेल हो चुका है, बट ये आपको लास्ट में मेरे इस वीडियो में दिखाई देगा, इसके बाद ये सेल हो चुका है तो अभी मैं इसको पैक करने वाला हूँ। तो गाइस ये है PS4 Pro जो कि बहुत कम लोग खरीदते हैं, और वो ही लोग खरीदते हैं जो पैसे वाले हैं, थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं उनके पास, या फिर वो ये चाहते हैं कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो बार बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए जो मैंने खरीदा फिर ख़राब हो जाए। तो ये वो लोग लेते हैं जिसमें प्रॉब्लम, जो ज़्यादा झंझट नहीं पालना चाहते, जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना चाहते हैं वो ये। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है ना गाइज, इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा इसका जो प्राइस है ना गाइज वो इन प्ले स्टेशन से थोड़ा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि मैंने इसको बताया आपको, घूम फिर के 27-28 तक पहुँचता है ये। ठीक है, 28 होता है, उसके ऊपर नहीं जाता ये, मतलब बहुत कम चांस है जो 28 या 29 से ऊपर चला जाए, ऐसा होगा ही नहीं कभी। ठीक है, जो PS4 स्लिम चला जाए जेल ब्रेक वाला एक कंट्रोलर के साथ, ठीक है, वो भी आपके मनपसंद के गेम्स के बाद, वो 28-29 से ऊपर नहीं जाता है कभी भी। लेकिन ये जो है PS4 Pro ये 29-28 से स्टार्ट ही होता है। अगर आप वो लेते हैं CD वाला लेते हैं तो वो होता है कभी 27 का मिल जाता है, 27,000 का, 28,000 का। लेकिन अगर आपको इसमें जेल ब्रेक चाहिए, गेम्स लोडेड चाहिए, तो गाइस इसका जो है 32,000, 31,500, 31, 32, 33 ऐसे पड़ जाता है। ठीक है, तो और रही बात डिफरेंस का, क्या है विशाल भाई ये बता दो। तो आपको मैंने दिखाई दिया यहाँ से, इसमें तीन लेयर आते हैं, इसमें दो, इसमें भी दो, लेकिन ये फैट मॉडल है, ये प्रो है और ये स्लिम है। जो सबसे शुरुआत हुआ था, जैसे कि मैं डिफरेंस बता दूँ आपको, जैसे कि जब कंपनी ने प्ले स्टेशन जब बनाया था तो पहले इस मॉडल को निकाला, उन्होंने इस मॉडल को निकाला तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती, जैसे हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, फैन में प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, ब्लू लाइट भी प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो उसके बाद थोड़ा अपग्रेड करके उन कंपनी ने ये निकाला स्लिम मॉडल। ये काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला प्ले स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, अभी भी बहुत ज़्यादा सेल होता है, जो कि ये मीडियम में आ जाता है और ये भी बहुत अच्छा चलता है, इसमें बहुत कम प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं आता, बहुत कम प्रॉब्लम आता है। अगर आप इसको देखते हैं तो सबसे लास्ट में जो इसमें कुछ कमियाँ रह गई थी, जैसे कि कई लोग बोल रहे थे, मतलब कई लोगों का रिव्यू था कि ये प्ले स्टेशन 4 में ना 4K रेजोल्यूशन चाहिए, जैसे कि ये फुल HD होता है, चाहे ये ले लीजिए, चाहिए फुल HD होता है, लेकिन उससे ऊपर अगर 4K TV में चलाना हो, 4K चलाना हो, तो उसके लिए प्रो बनाया गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें अपग्रेड कर दी गई है, इसमें भी आपको 500GB हार्ड डिस्क के साथ मिलता था, इसमें भी 500GB हार्ड डिस्क है, लेकिन इसमें 500GB नहीं मिलता, इसमें 1TB हार्ड डिस्क के साथ आता है। इसमें 1TB हार्ड डिस्क के साथ, इसीलिए इसका थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा होता है और ये कभी ख़राब भी नहीं होता, मतलब कभी का मतलब, जैसे अगर 50 पीस है उसमें शायद ही एक या दो खराब निकल जाए या ख़राब हो जल्दी, तो इसलिए मतलब ये चीज़ होती है। इसमें आपको हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिखती, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा दिखेगा, इसमें बहुत कम दिखेगा, इसमें तो बहुत बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब कि चांस बहुत कम होता है कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम आए या ख़राब हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन इसमें हो जाता तो फिर रिपेयर भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि रिपेयर कराने में बहुत टाइम लगेगा या बहुत पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है, तीनों में चीज़ें सेम है। आपको अगर गेम्स खेलना है तो सेम गेम इसमें भी चलेगा, वही गेम इसमें भी चलेगा, वही गेम इसमें भी चलेगा, गेम में ऐसा कुछ नहीं। मान लो अब GTA 5 खेल रहे हो तो GTA 5 इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा। अगर आप इसमें Tekken 7 ले रहे हैं, Tekken 7 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर नए वाला जो Tekken 8 है जो आने वाला है, GTA 6 जो आने वाला है, वो इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ गेम्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस जो डिफरेंस है वो बस इसमें है कि 4K, मतलब कि कितनी बड़ी टीवी हो वो 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट कर लेगा, फटेगा नहीं पिक्सल, ये चीज़ है। और ये है, और ये है जो फुल HDR है, फुल HD है, 1080p में चलता है और 60fps में चलते हैं। तो ये चीज़ें थी, अगर प्राइस आपके बारे में जो प्राइस डिफरेंस था वो मैंने बता दिया आपको। ये पड़ता है आपको 15,000 से लेकर के 20, 22, 23 तक पड़ता है, ये 23 से स्टार्ट होता है 29 तक पड़ता है, और ये 28 से स्टार्ट होता है 30, 32 तक पहुँचता है।
तो ये चीजें थी, गेम्स आपको सेम मिल जाएंगे। जेल ब्रेक वाला जो होता है सबसे हाईएस्ट प्राइस में बिकता है, सेल होता है, ज्यादा जेल ब्रेक वाले ही सेल होते हैं। लेकिन कई लोग ऑनलाइन भी गेम खेलना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए आप डीवीडी वाला ले लो, वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ गेम्स नहीं दी जाती हैं। ठीक है, ये था। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको अगर लेना होगा कुछ एडवांस आपको पे करना होगा, बाकी का जो पेमेंट है वो ट्रैकिंग आईडी के बाद आपको देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विशाल भाई कैश ऑन डिलीवरी कर दो, तो PS4 में कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। जिसको लेना हो, अगर आपको डर लग रहा है कि विशाल भाई फ्रॉड ये वो, तो आप आकर ले सकते हैं, नई दिल्ली गुड़गांव रोड कापासीडा बॉर्डर का। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप मुझे कॉल करोगे, मैं 2 मिनट में आपको रिसीव कर लूंगा। ये जगह है, अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर अपना नाम मोबाइल नंबर डिटेल दे सकते हैं अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो ये था गाइस आज का हमारा वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।